वक्त एमपी एक्सप्रेस का है और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मंदसौर से बड़ी खबर है, दलित दूल्हे की बारात पर हमला हुआ है। दलित सैनिक दूल्हे की बारात रोक दी गई, मारपीट में दलित वर्ग के 6 लोगों को चोट आई है। घटनास्थल पर गए पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ, पुलिस वाहन के कांच तोड़ दिए गए। मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में निकाली गई थी बारात, तो अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं घटनास्थल पर गए पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ, पुलिस वाहन के कांच तोड़ दिए गए। कितने ज्यादा हौसले बुलंद हैं बदमाशों के, आप समझ सकते हैं। 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में निकली बारात, दलित दूल्हे की बारात पर हमला हुआ है। दलित सैनिक दूल्हे की बारात रोक दी गई, पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इसके बाद कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारात निकल रही थी पुलिस की देखरेख में, लेकिन पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। अब 29 लोगों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। मंदसौर से बड़ी खबर, दलित दूल्हे की बारात पर हमला हुआ है और दलित सैनिक दूल्हे की बारात रोक दी गई, मारपीट में दलित वर्ग के 6 लोगों को चोट आई है। घटनास्थल पर गए पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ है, पुलिस वाहन के कांच भी तोड़ दिए गए। मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शाहिद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, अभी क्या स्थिति है इलाके की? जी मैं बताऊंगा, अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिस तरह से जो बारात निकलने का मामला था, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा कि बीती रात में जब बारात यहां से निकल रही थी, ऐसे में दोनों जो पक्ष हैं वो आमने सामने बारात को लेकर क्रॉस होने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं डांस करने और कुछ विवादित बात होने पर वहाँ पर इस बारात का झगड़े का रूप ले लिया, और झगड़े के रूप होने के बाद यहाँ पर तनाव काफी बढ़ गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं बिनोरी को रोका गया, और बिनोरी रोकने के बाद में यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मंदसौर भी वहां पर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को नियंत्रण में लिया। अभी सभा लगभग 11 से 12 बजे के बीच वापस से पुनः दोनों समाज के लोगों की बिनोली यहां से पुलिस अभिरक्षा के अंदर निकाली गई है। बहरहाल मामला पूरी तरह से नियंत्रण में बताया जा रहा है। लगभग 29 लोगों की अब तक गिरफ्तारी यहाँ पर बताई जा रही है। जी इसके अलावा क्या ये जो सभी लोग हैं ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी संगठन की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये दलित समाज और अन्य समाज के लोगों की बात जरूर सामने निकल के, मीणा समाज है, उनके आपस में ये विवाद हुआ है। कहीं ना कहीं ऊंच नीच वाला जो माहौल होता है उस बात को लेकर यहाँ पर बात हुई है कि बारात हम इस यहाँ से नहीं निकालने देंगे, डीजे नहीं बजाने देंगे, इस तरह की यहाँ पर बातें हुई है। बारात क्योंकि एक ही समय पर एक ही वक्त में एक ही जगह से क्रॉस हो रही थी, ऐसे में लेकर यह मामला यहाँ पर मामले ने तूल पकड़ा है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया है और कुछ लोगों में इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, और दो वर्गों का ये कहीं ना कहीं आपसी मामला था जिसमें शादी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की टीम पर भी हमला करने से लोग पीछे नहीं रहे।